नवंबर 2020 शुरू हो चुका है। नवंबर जो कि त्योहारों का सिलसिला लेकर आया है, वहीं पर नवंबर को ज्योतिष में बहुत खास बताया जा रहा है। इसका कारण ये है कि इस महीने में बहुत सारे ग्रह मार्गी होने जा रहे हैं और गोचर बदल रहा है। 2020 में हमने बहुत कुछ देखा, हमने कोरोना जैसी घातक बीमारी देखी, लेकिन नवंबर 2020 से कुछ शांति हम सबको मिलने वाली है। कुछ अच्छे ग्रह जो कि अभी तक वक्री थे, वो अब मार्गी होने जा रहे हैं। वक्री मतलब उल्टा चलना। तो जब कोई उल्टा चलता है तो वो क्या होता है, वो भटक जाता है, वो परेशानी देने को हमारे जीवन में। और जब वो मार्गी हो जाता है, मार्गी मतलब अपने मार्ग पे चलना, तो जब वो अपने मार्ग पे चलता है तो हमारे जीवन के रास्ते जो हैं वो बहुत आसान हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेघा गोयल। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। माय चैनल डिवाइन सोर्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ योर लाइफ। 3 नवंबर को कौन सा ग्रह है जो मार्गी हो रहा है? 3 नवंबर 2020 मरकरी बुध ग्रह है जो मार्गी हो रहा है। बुध कारक है आपकी बुद्धि का, आपके कम्युनिकेशन का, आपकी स्टडीज का। अभी तक ये वक्री चल रहा था, उस कारण हमारे माइंड में बहुत ज्यादा स्ट्रेस था। अगर आप देखो ये पूरा साल हमारा कैसे गुजरा है, स्ट्रेस से गुजरा है, वायरस के स्ट्रेस से गुजरा है। बुध जो है वो पैसों का भी कारक है, काम का भी कारक है। तो इस साल हमने बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखा, हमने बिजनेसेस में डाउनफॉल देखा, जॉब में डाउनफॉल देखा, क्योंकि बुध जो है वो राजकुमार है इन सब चीज़ों का, पैसों का। लेकिन अब बुध जो है वो मार्गी होने जा रहा है तुला राशि में, लिब्रा राशि में। सो बुध मार्गी होने के साथ हमें अब क्या देगा, हमें अच्छी सोच देगा, आपके काम में बढ़ोतरी देगा, आपको फोकस देगा, आपका कम्युनिकेशन अच्छा करेगा। आपके जो जने पढ़ रहे हैं, जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनका फोकस होगा, उनको कॉन्सेंट्रेट करवाएगा और उनको दोबारा से पढ़ने में रुचि देगा। एक खास बात और मैं यहाँ पे कहने वाली हूँ, 14 नवंबर जो कि बहुत बड़ा त्योहार है दीपावली, 14 नवंबर को भी एक ग्रह मंगल मार्स जो है वो मार्गी होने वाला है। बहुत बड़ा चेंज होने वाला है गोचर में। गोचर क्या होता है? गोचर होता है जो कि यूनिवर्स में जो प्लैनेट्स हैं वो जब अपनी गति से घूम रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, और आपके हर एक जोडियक साइन में उनका आगमन होता रहता है, आते जाते रहते हैं वो। अगर हम पत्री की बात करें, पत्री में 12 घर हैं, 12 घर में आपके जो प्लैनेट्स हैं, जब आप पैदा हुए थे उस टाइम पे जो गोचर था उसके जो प्लैनेट्स हैं वो फिक्स्ड हैं आपकी पत्री में। लेकिन जब यूनिवर्स में गोचर होता रहता है, ट्रांजिट होता रहता है, तो वो एक एक प्लैनेट करके आपके पत्री में किसी ना किसी भाव में, किसी ना किसी हाउस में वो आ रहा होता है। तो सोचो आपके जो फिक्स प्लैनेट हैं वो तो है ही, जो आपको रिजल्ट दे रहे हैं आपकी लाइफ में, लेकिन एक अलग से बाहर से एक और प्लैनेट आया और उसने आपके घर में दृष्टि डालनी शुरू कर दी। तो क्या हुआ, आप 4 मेंबर्स तो हो ही, फॉर एग्जांपल आप अपने घर में 4 मेंबर्स तो हो ही, और एक गेस्ट और आ गया आपके घर में, तो क्या होगा आपकी लाइफ में, या तो उस गेस्ट के आने के कारण खुशियां आएंगी या उस गेस्ट के आने के कारण थोड़ी सी तकलीफें आएंगी। ये गोचर आपकी जिंदगी में डेली बेसिस पे करता रहता है। तो आइए जानते हैं कि मरकरी बुध तुला राशि में आने पे आपके जोडियक साइंस में क्या क्या लेके आ रहा है। मैं बात कर रही हूं यहाँ पे आपके चंद्र कुंडली के बेसिस पे, आपके मून बेसिस पे, आपके
टाइम ऑफ बर्थ के बेसिस पे मैं आपके जोडियक साइंस के बारे में बुध राशि का क्या असर होगा इस गोचर में आपकी राशियों में। शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि से, मेष राशि एरीज साइन। एरीज वालों, आपके लिए बुध आपके सेवेंथ हाउस में गोचर करेगा। सेवेंथ हाउस जो कि आपके ओपोनेंट का हाउस है, सेवेंथ हाउस कुंडली में मैरिज हाउस मानते हैं, ओपोनेंट का हाउस मानते हैं। इवन ये आपके पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में भी माना जाता है। तो बुध आपके लिए यहाँ पे अच्छा टाइम लेके आ रहा है। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपको आपके कार्य में, आपके काम में आपको सफलता मिलेगी। अगर आपके रिलेशनशिप में, अगर आपके मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो वो आपकी बातों के द्वारा अब हल हो सकता है। और अगर आपके मैरिड लाइफ में हस्बैंड वाइफ के बीच में कम्युनिकेशन कम है तो वो कम्युनिकेशन बढ़ने के भी चांसेस हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात और बोलूंगी, एरीज वालों, आपका जो राशि नाथ है, जो आपका एसेंडेंट है, प्लेनेट एसेंडेंट है, वो मार्स है। तो मैं यहाँ पे ये बोलूंगी कि आप थोड़ा सा ध्यान अपने वाणी के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा जरूर रखें, क्योंकि बुध जो है वो कम्युनिकेशन का है और मार्स, एरीज आपका जो असेंडेंट है वो मार्स है, वो थोड़ा गुस्से वाला होता है। तो थोड़ा सा आप अपने यहाँ पे वर्ड्स को कंट्रोल करें, नाप तोल के बोलें, और आप अपने कम्युनिकेशन के कारण, अपनी समझदारी के कारण आप बहुत सी चीजें सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके कोई गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क रुके हुए हैं तो वो भी पूरे होने की संभावना है। सो ओवरऑल एरीज आपके लिए बुध का गोचर अच्छा रहेगा। आपके लिए ये टिप है कि थोड़ा सा आप अपने वर्ड्स को जो भी बोले सोच समझ कर बोले। दूसरी राशि वृषभ राशि, टॉरस राशि। टॉरस वालों के लिए बुध जो है उनके सिक्स हाउस में गोचर करेगा। सिक्स हाउस जो कि बीमारी का, जो कि शत्रुओं का, जो कि आपके डेली लाइफ का हाउस है। सो मैं यहाँ पे ये बोलूंगी कि बुध के आने से जो लोग बहुत टाइम से बीमार थे, जिनको बहुत क्रॉनिक डिजीज थी, बीमार थे, उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। उनकी जो बीमारी है वो कहीं हद तक ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। सिक्स हाउस जो कि लोन का भी हाउस है, तो यहाँ पे आपके लिए मैं ये बोलूंगी कि कर्ज लेने से बचें, लेन देन करने में थोड़ा सा सावधान बरतें। मनी वाइज भी थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम रहेगा, थोड़ा सा आपका हाथ अभी तंग रहेगा। लेकिन साथ ही में अगर आपके रिश्तेदारों से मन मुटाव है तो आपके रिलेशंस आपके रिश्तेदारों से अच्छे होने की संभावना है। बच्चों से रिलेटेड भी आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। सो ओवरऑल मैं ये बोलना चाहूंगी, घबराएं नहीं टॉरस वालों, बुध आपके सिक्स हाउस में आया है। सिक्स हाउस थोड़ा सा कुंडली का, आपकी कुंडली का थोड़ा सा दिक्कत वाला घर कहलाता है। सो मैं कहूंगी यहाँ पे घबराएं नहीं, संयम बना के रखें। बुध जो कि कारक है आपकी कम्युनिकेशन का, आपकी बुद्धि का, तो आपके लिए यही टिप है कि आप अपना थोड़ा सा बुद्धि से काम लें, माइंड से काम लें, और अपनी वर्ड्स पे, अपने कम्युनिकेशन पे आप थोड़ा सा संयम बना के चलें। जेमिनी मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए बुध गोचर करेगा उनके फिफ्थ हाउस से। फिफ्थ हाउस जो कि आपके बच्चों का हाउस है, जो कि आपके लव अफेयर्स का हाउस है, टैलेंट्स का हाउस है, तो बुध यहाँ पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। आपके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है ये। स्वास्थ्य, आपका हेल्थ, आपका बुद्धि, बच्चों की तरफ से आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है। जो बच्चे हायर स्टडीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या सीए एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम है। आप लोग बहुत मन लगा के पढ़ सकते हैं, और अगर आप अपने रिजल्ट की वेट कर रहे हैं तो उनके रिजल्ट में भी आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। जो लोग शादी के बाद कंसीव करने का सोच रहे हैं या जिनको लग रहा है कि कंसीविंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये समय बहुत अच्छा समय है
आपके कंसीव करने का, तो आप लोग इस टाइम पे कंसीव करने की भी प्लानिंग कर सकते हैं। जो काम बहुत टाइम से आपके रुके हुए हैं, उन कामों में भी आपको सहयोग मिलना स्टार्ट हो गया है और वो काम आपके वापस से चलने लगे हैं। सो ओवरऑल जेमिनी मिथुन वालों, आपके लिए बुध का गोचर बहुत ही शुभदायक है। कैंसर कर्क राशि वालों के लिए बुध जो है वो फोर्थ हाउस में गोचर कर रहा है। फोर्थ हाउस आपका घर, फोर्थ हाउस आपकी माँ, फोर्थ हाउस आपकी प्रॉपर्टी। सो बुध का यहाँ पे आना आपको कहीं ना कहीं सुख सुविधा में रिलीफ देगा। आप कोई वाहन खरीद सकते हैं, कोई गाड़ी खरीद सकते हैं या अपनी गाड़ी पे स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि फोर्थ हाउस में आपका वाहन, कार रिलेटेड आपकी चीजें आती हैं, उस पे या तो आप कोई नई कार वगैरह खरीद सकते हैं या आप उन पे अपनी कार वगैरह पे स्पेंड करने का भी यहाँ पे चांसेस हैं। इस वक्त आपको आपके कारोबार में बहुत अच्छी वृद्धि दिखेगी। अगर आप किसी प्रोजेक्ट को करना चाहते हैं तो ये परफेक्ट टाइम है उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का, काम करने का। अगर आपका प्रोजेक्ट काफी समय से रुका हुआ है तो वो प्रोजेक्ट भी पूरा हो जाएगा। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगी, बुध का फोर्थ हाउस में आना आपकी माँ की सेहत के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो आपके लिए यही टिप है कि आप अपनी मदर का अच्छे से ध्यान रखें। लियो सिंह राशि वालों के लिए बुध का गोचर उनके थर्ड हाउस से हो रहा है। थर्ड हाउस जो कि आपके परिक्रम का हाउस है, तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे अपने बोलने पे तो आप अपने बहुत रुके हुए काम करवा सकते हैं। इस दौरान अगर आप ज्यादा लोगों से बात करके अपने चीजों को पूरा करवा सकते हैं, आपकी बोलने की चतुराई से आपको आपके कार्य में, आपको आपके काम में सफलता मिलेगी। बोलने के साथ साथ आप अगर अपनी थोड़ी सी बुद्धि का भी इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बहुत सारे काम बहुत इजीली और बहुत अच्छे से हो गए हैं। वर्गो कन्या राशि वालों के लिए बुध का गोचर सेकेंड हाउस से हो रहा है। सेकेंड हाउस जो कि बैंक बैलेंस का हाउस है, सेकेंड हाउस जो कि आपके पैसों का घर है। सो यहाँ पे बुध आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट देने वाला है। बुध के इस परिवर्तन से आपको धन के मामले में जबरदस्त लाभ होने वाला है। आपकी रुकी हुई पेमेंट आपको मिलने वाली है। नौकरी में नए रास्ते खुल सकते हैं। सो ओवरऑल यहाँ पे बुध आपको बहुत ज्यादा लाभ देके जाएगा, बहुत सारा धन देके जाएगा। लिब्रा राशि तुला राशि वाले बुध आपकी ही राशि में गोचर कर रहा है। आपके पहले भाव में बुध गोचर कर रहा है, पहला भाव जो कि आपकी पर्सनालिटी को बताता है। ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी, आपका माइंड, आपकी हेल्थ, इसके कारक पहला हाउस है। सो आप इसका बहुत अच्छा लाभ उठा सकते हैं। आप अपनी मेहनत से बहुत सारी सफलता पा सकते हैं, अपनी बुद्धि से, अपने बोलने से आप बहुत ज्यादा तरक्की पा सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से या लॉयर्स की तरफ से आपको सपोर्ट भी मिलेगा। अगर आपका कहीं केस चल रहा है तो आपका वो केस जीतने की संभावना है। अगर आपका कहीं गवर्नमेंट में कोई काम रुका हुआ है या आप गवर्नमेंट के लिए कुछ अप्लाई कर रहे हैं तो वहां से भी आपको सहयोग मिलेगा। सो ओवरऑल तुला राशि वालों, मैं आपके लिए यही कहना चाहूंगी कि बुध आपकी ही राशि में गोचर कर रहा है, तो इसका बहुत भरपूर फायदा उठाएं। अपनी बुद्धि, अपने कम्युनिकेशन से आप जितना कर सकते हैं अपने फायदे के लिए वो चीजें जरूर करें। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध का गोचर 12वें हाउस से हो रहा है। 12th हाउस जो कि एक्सपेंडिचर का हाउस है, 12th हाउस जो कि हेल्थ का हाउस है। सो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि आप क्या इस टाइम पे थोड़ा सा खर्चा बढ़ने वाला है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। इवन यहाँ पे आपको अपने शत्रुओं से भी थोड़ा सा खतरा होने के आसार हैं। ये टाइम बुध का गोचर आपके लिए थोड़ी सी परेशानियां लेकर आएगा। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब चेंजेस चांसेस हैं। मे बी आपके हाथ में आया हुआ मौका भी निकल सकता है। तो मैं ओवरऑल यही कहूंगी, घबराए नहीं। जैसे कि मैंने बोला, बुध जो है वो आपकी बुद्धि के कारक है, आपकी कम्युनिकेशन के कारक है, वेल्थ के कारक है।
तो मैं यही बोलूंगी कि थोड़ा सा बुद्धि से काम लें, ज्यादा फालतू खर्च नहीं करें इस टाइम पे, सोच समझ के अपने वर्ड्स का इस्तेमाल करें। अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करते हैं तो आपको बुध का गोचर परेशान नहीं करेगा। सेगिटेरियस, धनु राशि वालों, आपके लिए बुध का गोचर 11वें भाव में रहेगा, 11th हाउस जो कि आपके गेन्स का हाउस है, जो कि आपकी शादी का हाउस है, आपके बड़े भाई बहनों का हाउस है। सो ओवरऑल अगर मैं बोलूंगी तो बुध का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, आपको बहुत गेन्स मिलने वाले हैं, आपको अपने बड़े भाई का सहयोग भी मिलने वाला है। और अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो इस गोचर में चांसेस हैं कि आपके शादी होने के भी चांसेस बन जाएं। आपका आपके पार्टनर के साथ भी अच्छा तालमेल रहेगा इस गोचर में, आपके दैनिक रोजगार में, आपकी ओवरऑल समझदारी के साथ आपको बुध का गोचर बहुत सारे गेन्स देकर जाएगा। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों के लिए बुध का गोचर 10th हाउस में हो रहा है, 10th हाउस जो कि वर्क हाउस है, 10th हाउस जो कि आपके कर्म का हाउस है। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए बुध का मार्गी होना बहुत ही शुभ है, आपका वर्क जोन में आपका नाम होगा, आपके वर्क में, काम में, बिजनेस में वृद्धि होगी, रोजगार में आपके वृद्धि होगी। आपका जो भाग्य है वो इस वक्त बुध के गोचर में बहुत जबरदस्त उछाल मारने वाला है, राइस पे लेके जाना वाला है, आपको धन लाभ की भी प्राप्ति होगी इस वक्त। थोड़ा सा अगर मैं ये बोलूंगी कि आप अपने हेल्थ का भी साथ में ध्यान रखें और अपने एनिमीज, अपने शत्रुओं का भी थोड़ा सा ध्यान रखें, उनसे बच के रहें, कहीं ना कहीं से आपको आपके शत्रु आप पे वार कर सकते हैं। बुध का गोचर आपको आपके वर्क रिलेटेड ट्रैवलिंग भी करवा सकता है, जो कि आपके लिए लाभदायक रहेगा। एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों के लिए बुध का गोचर 9th हाउस में हो रहा है, 9th हाउस जो कि भाग्य का हाउस है, जो कि धर्म कर्म का हाउस है। यहाँ पे बुध का आना बहुत ही अच्छा है, आपको आपके अधिकारियों से, आपको आपके बॉस से, आपको आपके हायर जो आपसे ऊंचे लेवल पे हैं, उन लोगों से आपको सहयोग मिलेगा, आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे ये बोलूंगी कि आप किसी प्रमोशन का वेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बुध का गोचर आपको प्रमोशन नहीं देगा। पाइसिस, मीन राशि, बुध का गोचर मीन राशि आपके 8वें भाव से हो रहा है, 8th हाउस जो कि आपकी आयु का भाव है, जो कि आपकी सडन इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ का हाउस है, तो बुध का गोचर यहाँ पे आपके लिए अच्छा है, डरने की बात नहीं है। ये गोचर आपको सडन विश फुलफिलमेंट करवाएगा, कोई चीज आप बहुत टाइम से चाह रहे हो आपकी जिंदगी में और वो नहीं हो रही, तो बुध का गोचर आपको आपकी वो विश पूरी करवाएगा। व्यापार में जुड़े हुए कामों में भी आपको बुध तरक्की देगा। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं पाइसेस वालों, आपके लिए बुध जो है वो लाभदायक है, लेकिन थोड़ा सा आपको आपके पार्टनर के लिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा, आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ को थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज यहाँ पे हो सकती है, तो आपको उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ये बात करी मैंने बुध के गोचर की, बुध राजकुमार जो कि मार्गी होके हमारी जिंदगी में बहुत सारे अच्छे चेंजेस लाने वाला है। स्टे ट्यून्ड, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। माय नेम इज मेघा गोयल, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, वास्तु एंड फेंग शुई एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, साइकिक हीलर एंड अ लाइफ कोच। एंजल्स लव फॉर एवरीवन, आत्मा नमस्ते।